हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के बारे में। तो यहां पर लैपटॉप की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इस पर हम यूपी बोर्ड रिजल्ट 2023 जो रिजल्ट जारी होना है वह कब जारी होगा और किस तारीख तक आ सकता है, क्या आज ही आ जाएगा या अगले महीने आने वाला है, इसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी देंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और देखने के बाद जितने भी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं जो पेपर दे चुके हैं उनको ये वीडियो शेयर करिए ताकि उन्हें भी जानकारी हो सके कि आपका रिजल्ट कब पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए हम बात करेंगे कुछ बेसिक चीजों के बारे में कि यहाँ पर कितने स्टूडेंट शामिल हुए थे यूपी बोर्ड रिजल्ट में। यूपी बोर्ड में जब आपका पेपर हो रहा था वहां पर कितने स्टूडेंट उस पेपर को अटेंड किया था और कितने ने छोड़ दिया था, और इस बार का रिजल्ट क्या रहने वाला है, क्या बहुत से स्टूडेंट फेल होंगे या काफी स्टूडेंट पास हो जाएंगे, तो इस बार परसेंटेज का क्या है, कौन टॉप करेगा और कब तक रिजल्ट इसका अपडेट हो जाएगा और नोटिस आपको कब मिल सकती है, तो इसके बारे में यहाँ कंप्लीट जानकारी देंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं यूपी बोर्ड रिजल्ट 2023 कल जारी होगा। कक्षा 1 से 8वीं तक का रिजल्ट या 10 से 12वीं बोर्ड रिजल्ट पर ये अपडेट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आज तक न्यूज के अनुसार यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर दिया गया है कल जारी होगा, मतलब 21 मार्च को यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आज 21 मार्च दिया गया है, हो सकता है आज शाम तक आपका रिजल्ट जारी हो जाए। यदि नहीं जारी होता तो यह अप्रैल के फर्स्ट वीक पर यह जारी हो जाएगा, क्योंकि आयोग की तरफ से ये अपडेट मिल रही है कि कॉपी आपकी चेक होना शुरू हो चुकी है और बहुत ही जल्द वह चेक होकर वहां पर पोर्टल पर आपका रिजल्ट अपडेट कर दिया जाएगा। जितने भी स्टूडेंट है वह चेक कर पाएंगे अपना सारा रिजल्ट। यहाँ पर देख सकते हैं कि 10वीं 12वीं रिजल्ट के लेकर बड़ी अपडेट दी गई है। यह दिया गया है कहाँ मिलेगी मार्कशीट, तो मार्कशीट देखिए आप अपने कॉलेज से भी प्राप्त कर सकते हैं और जो रिजल्ट है वो आप ऑनलाइन पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, तो वहीं से आप सारे स्टूडेंट अपना जो भी रिजल्ट है 10वीं 12वीं का वह चेक कर सकते हैं। तो ये हो गई बात, हम लोगों ने आज तक न्यूज से हम लोगों ने इसके विषय में बात की। अब चलते हैं, बात करते हैं हिंदुस्तान जो न्यूज चैनल है उसके माध्यम से बात करते हैं कि यूपी बोर्ड के रिजल्ट का अपडेट क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी न्यूज दिया गया है यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 की खबरें। यहाँ पर सारी A to Z यूपी बोर्ड रिजल्ट के अकॉर्डिंग सारी खबरें दी गई हैं। तो चलिए यहाँ पर पहली हम खोलते हैं और देखते हैं कि कौन सा इस पर क्या अपडेट दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं यूपी बोर्ड रिजल्ट कब आएगा, ये सिर्फ एक क्वेरी है, सारे स्टूडेंट गूगल पर यही सर्च करते हैं कि कब आएगा यूपी बोर्ड रिजल्ट। जल्द चेकिंग करके बची सिर्फ इतनी ही कॉपियां, मतलब कुछ कॉपियां बची हुई हैं जो जल्द से जल्द चेक हो जाएंगी और इसके बाद आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। संभावना ये जताई जा रही है, आज के चांसेस कम है लेकिन जारी हो सकता है, लेकिन आपका अप्रैल माह के फर्स्ट वीक पर जल्द से जल्द रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा पोर्टल पर। तो चलिए इस पर और भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ दिया गया यूपी बोर्ड रिजल्ट कब आएगा, यूपी बोर्ड ये हाई स्कूल में इंटरमीडिएट की कॉपियों के मूल्यांकन के 10वें दिन तक 6 जिलों में मूल्यांकन कार्य पूरा हो गया है, मतलब जो 10 जिले हैं 10वें दिन तक उनके 6 जिलों में जो भी 6 जिले हैं उनका जो कॉपी चेक करने का स्तर था वहां पर पूरा हो चुका है, वह कार्य कंप्लीट हो चुका है। कुछ जिलों में बाकी रह गया है, वो जल्द से जल्द हो जाएगा, इसके बाद आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। यहाँ देखिए, वीडियो को मैं अगर हिंदी में सब कुछ पढ़कर बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, यहाँ पर हम लोग मेन मेन बात करेंगे। और ये आप hindustan.com वेबसाइट है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर ये आप चेक कर सकते हैं, यहीं से आपको सारे अपडेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो कई सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर रिजल्ट कब आएगा, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप इस पर आप आकर स्वयं पढ़ सकते हैं और कितनी कॉपियां जांची जा रही, कितने कैंडिडेट उपस्थित हुए हैं, कितने ने अपना जो पेपर है वह छोड़ दिया था, ये सारा चीज इस पर यहाँ पर अंकित किया गया है और आप आने के बाद यहाँ पर एक एक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बात हो गई कॉपियां कब तक चेक हो जाएंगे और रिजल्ट कब जारी हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि ये कुछ मूल्यांकन करने की मांग है, यहाँ पर मांग दी गई है और
इस नोटिस में फिलहाल इतना ही, और आगे यहाँ देखते हैं इस बार जो भी पेपर वगैरह हुए हैं तो ये सख्त पेपर हुए हैं, मतलब सख्त कड़ी निगरानी में की गई है। सारे कैमरे सीसीटीवी कैमरा को चालू करके यहाँ पर पेपर कराया गया है, और काफी यहाँ स्टूडेंट में एक परेशानी देखने को मिली गई है कि क्या हम इस बार फेल हो जाएंगे, या हमारे नंबर कम आ जाएंगे, या हमारे नंबर काट लिए जाएंगे। इस तरीके के काफी चीजें देखने को, और काफी लोगों ने कमेंट में लिखा कि क्या सर इस बार भी प्रैक्टिकल में पूरे पूरे नंबर दिए जाएंगे या नंबर काट लिए जाते हैं, 30 में 30 नहीं दिए जाते, 30 में से कुछ ही नंबर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके जो आपका कॉलेज के प्रति रेपुटेशन है उस पर निर्भर करता है कि आपने कॉलेज पर अपनी कैसी छवि बनाकर रखी है, टीचरों के प्रति आपका क्या लगाव है। तो उस तरीके में भी, और यदि आप अच्छे से मेहनत करते हैं, नोट्स वगैरह अच्छे से तैयार करते हैं, वहां पर टीचर आपको ध्यान देता है और आपके पूरे पूरे मार्क्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पर यह मैंने क्लियर कर दिया कि आपको 30 पे 30 नंबर तभी मिलेंगे जब आप कॉलेज पर एक बेहतर स्टूडेंट कहलाए जाएंगे। यहाँ देखिए हेडलाइन दिया गया है, यूपी बोर्ड रिजल्ट 2023 दोपहर तक केंद्रों पर पहुंचे परीक्षक, पुलिस के पहरे, सीसी कैमरे की निगरानी में जांच रहे काफी। यहाँ पर देख सकते कितनी सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं कि जो टीचर हैं, जो आयोग के जितने भी टीचर हैं, वह कापियां जो जांच रहे हैं वो सीसीटीवी के कैमरा की नजर पर भी जांच रहे हैं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो वहां पर पैसा लगा देते हैं कापियों पर, तो जो पैसा है वो सीसीटीवी कैमरा पर दिख जाए वो अलग रख दिया जाए और उन स्टूडेंट को तुरंत फेल कर दिया जाएगा। तो इस तरीके की कभी भी हरकत मत करें जिससे आपका पूरा साल बर्बाद हो जाए, तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। आप खूब मेहनत करें और उस कॉपी पर प्रॉपर लिखें, कोई भी क्वेश्चन छोड़े नहीं, बिल्कुल बराबर लिखें। यदि नहीं आ रहा तो आप उसे हेडलाइन के थ्रू बना कर लिख सकते हैं, लेकिन ये पैसा चिपकाना ये सही बात नहीं है। यहाँ पर जो रिजल्ट की अपडेट थी यहाँ पर मैंने बता दिया है, एक बार फिर से इस विषय में मैं चर्चा कर लेता हूँ। आपका जो रिजल्ट है, आज बहुत ही कम संभावना है कि रिजल्ट जारी हो जाए, लेकिन अप्रैल के माह में फर्स्ट वीक पर आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट दोनों जारी कर दिए जाएंगे। आप यूपी बोर्ड के जो पोर्टल है वहां पर आप जाकर चेक कर सकते हैं अपना रिजल्ट, रोल नंबर डालकर वहीं से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको कॉलेज से मार्कशीट प्राप्त हो जाएंगी। तो ये हो गई 10वीं और 12वीं रिजल्ट से रिकॉर्डिंग अपडेट। इस वीडियो में जो भी यूपी बोर्ड से संबंधित, रिजल्ट से संबंधित जितनी भी जानकारी दी गई है, आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होंगी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अन्य स्टूडेंट को जानकारी हो सके, उन्हें भी जानकारी ये मिल सके कि हमारा रिजल्ट कब तक आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा चर्चा ये कर लेते हैं कि कई सारे जो 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट हैं उन्होंने अपना स्कॉलरशिप फॉर्म डाला हुआ था, और कई सारे स्टूडेंट की जो स्कॉलर है वो आ चुकी है और कई सारे स्टूडेंट की स्कॉलर नहीं आई है। तो यहाँ पर उनके लिए भी छोटी सी बात की जाएगी। कई एक दो स्टूडेंट हैं जो कमेंट पर बताया था कि सर हमारी नहीं आई, और वहीं पर 2-3 स्टूडेंट ऐसे हैं कि सर हमारी आई तो है लेकिन आधी आई है, तो क्या इसमें पूरी पूरी स्कॉलरशिप मिलने की संभावना है या नहीं मिलेगी, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के थ्रू आएगी या फिर एक दो इंस्टॉलमेंट और आएंगी। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं कि आपकी 2 इंस्टॉलमेंट के थ्रू आती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक बार बटन दबाया आयोग की तरफ से और सारे के अकाउंट में पड़ गए जाके पैसे, तो ऐसा नहीं होता। पैसा डालने की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है और एक से 2 हफ्तों के बीच में सारे स्टूडेंट के अकाउंट पर स्कॉलरशिप का पैसा पहुंच जाता है। तो जिनकी आ गई है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिनकी नहीं आई वह अपना जो समय है वह अपना समय बर्बाद ना करें, और यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना लाइव स्टेटस चेक कर लें। कई सारे स्टूडेंट का ऐसा होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स वो लगाते हैं, फॉर्म भरवाते हैं, तो उसमें किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है जिसके थ्रू उनकी स्कॉलर नहीं आती है। हालांकि जिनकी आ गई है उनके लिए तो अच्छी बात है, जिनकी नहीं आई और स्टेटस बिल्कुल सही दिखा रहा है, सब कुछ वेरीफाइड हो चुका है, तो वह थोड़ा सा वेट कर लें, उनकी भी स्कॉलरशिप जल्द से जल्द प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डाल दी गई है आयोग की तरफ से, और अभी सेकंड थर्ड इंस्टॉलमेंट डालना बाकी है। तो जिनकी आ गई है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिनकी नहीं आई वह थोड़ा सा वेट कर लें, उनकी भी स्कॉलरशिप आ जाएगी। यहाँ पर जितने भी स्कॉलरशिप के कैंडिडेट हैं, जैसे बीए, बीटेक, चाहे यूपी के हों, यूपी बोर्ड के हों, सबकी स्कॉलरशिप
आएगी यदि आपके फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है तो आप जल्द से जल्द समय व्यर्थ ना करें, आप अपना यूपी स्कॉलरशिप वेबसाइट पर जाएं, वहां पर अपना लाइव स्टेटस चेक कर लें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। यदि मिस्टेक है तो उसका भी एक सोल्यूशन है, आप कमेंट सेक्शन पर बताइएगा कि यदि किसी का मिस्टेक है फॉर्म तो वहां पर मैं उनको शुरू से अंत तक पूरी जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा और कैसे वो अपना फॉर्म को सही कर सकते हैं और अपनी स्कॉलरशिप मंगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं छोटी सी एक हिंट्स दे दूं, यदि आपका फॉर्म गलत है तो आपको समाज कल्याण में जाना होगा, वहां पर जाकर एप्लीकेशन देना होगा, वहां पर आपका जो फॉर्म है उस पर करेक्शन कर दिया जाएगा। ये एक छोटी सी जानकारी मैंने दे दी है और समाज में जन कल्याण समाज में जाने से पहले वहां पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे तो इसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो बनाकर डाल दूंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन पर बताइएगा कि इसका किसकी स्कॉलरशिप नहीं आई है, उसके विषय मैं आपको बताऊंगा कि आपको समाज कल्याण जाने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है और वहां पर क्या आपको बताना होगा जिससे आपकी स्कॉलरशिप भेज दी जाएगी आपके अकाउंट पर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यूपी बोर्ड का जैसे ही रिजल्ट जारी हो जाएगा हम एक वीडियो बनाकर डाल देंगे, वहां से आप देखकर अपना लाइव रिजल्ट देख सकते हैं पोर्टल पर। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।